हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्क क्लास। आज की इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में। वैसे तो एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज DNS HTTP प्रोटोकॉल है। इसके अलावा हमारे पास FTP प्रोटोकॉल है एंड SMTP POP प्रोटोकॉल्स। ये जो है वो मेजरली आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो आप पूरी की पूरी बुक लिख सकते हो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में, लेकिन मेजरली आज जो है वो यही प्रोटोकॉल है। और इनके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोट्स में याद रखो, अपने दिमाग में बिठा के रखना कि इन पॉइंट्स के ऊपर अगर उन्होंने कुछ कुछ पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि HTTP FTP अगर इनकी डिटेल में जाओगे तो ये अपने आप में पूरी की पूरी बुक है, हर एक प्रोटोकॉल के ऊपर पूरी की पूरी बुक है। लेकिन इन्होंने अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो पोर्ट्स के बारे में पूछा हुआ है, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ दिस प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल कौन सी एप्लीकेशन यूज करता है, किस ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल को यूज करता है, बस मेनली ये तीन चार पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम मैं यहाँ पे आपको इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें HTTP प्रोटोकॉल की, तो पोर्ट नंबर हम यूज करते हैं 80, और आपने सुना ही होगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच इज वाइडली यूज्ड टू ट्रांसफर द टू फेच द वेब पेजेस ऑन www। मतलब जैसे ही आप ब्राउजर ओपन करते हो, ब्राउजर ओपन करने के बाद आप क्या यूज कर रहे हो, आप वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे हो, वेब सर्वर से वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे हो, चाहे गूगल के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, चाहे फेसबुक के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, कोई भी। तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल जो है वो वेब पेजेस को कैसे रिक्वेस्ट करनी है, कैसे हमने डेटा अपलोड करना है, पोस्ट करना है सर्वर पे, इन सारे कामों के लिए HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। पोर्ट नंबर है 80। अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि वेदर HTTP इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल, तो देखो HTTP जो है वो अपने आप में रिलायबल नहीं है। मतलब अगर हम उसका हेडर देखें या उसके अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो वो खुद अपने आप में रिलायबल नहीं है। मतलब डेटा को वो चाहता है कि लॉस ना हो, अगर इन केस कोई डेटा लॉस हो रहा है तो वो चाहता है कि उस डेटा को हम रिट्रांसमिट करें, लेकिन उसके अपने आप में उसके अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है। तो वो किसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP को यूज करता है रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए। ये पॉइंट छोटे छोटे याद रखना। देन इसको बोलते हैं हम इन बैंड प्रोटोकॉल। इन बैंड प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि जब हम HTTP, जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, कमांड्स सेंड करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्टली आप पेजेस को एक्सेस करते हो, पहले क्या होता है कमांड सेंड होती है। मतलब आप पहले कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सिंक करने की कोशिश कर रहे हो, लिसन करते हो कनेक्शन को, जितने भी कमांड्स हैं, कमांड्स और डेटा दोनों एक ही पोर्ट से निकलती हैं। याद रखना ये, इट इज द इन बैंड प्रोटोकॉल। इन बैंड का मतलब है एक ही पोर्ट नंबर है, उसी पोर्ट नंबर से आपकी कमांड्स ट्रेवल करेंगी, उसी पोर्ट नंबर से आपका डेटा जो है वो ट्रेवल करेगा, विच इज नॉट देयर इन द FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम अभी इसके बाद बात करेंगे। देन स्टेटलेस, वेदर इट इज अ स्टेटफुल और स्टेटलेस। तो स्टेटफुल और स्टेटलेस का मतलब क्या है, स्टेटफुल का मतलब है कि जो भी HTTP के थ्रू एक्सेस कर रहा है तो HTTP एक उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। मतलब उसका एक आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कि किस यूजर ने एक्सेस किया, क्या एक्सेस किया, कितने टाइम पे एक्सेस किया, एक तरह से मेटा डेटा जो है वो स्टोर करना। तो HTTP ये काम नहीं करता, इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ये इंफॉर्मेशन जो है वो सेव नहीं करता। रीजन उसका क्या है, यार मिलियन बिलियंस में रिक्वेस्ट जा रही है और सारी रिक्वेस्ट HTTP के थ्रू जाती हैं, तो यार अगर इतनी रिक्वेस्ट वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को वो सेव करने लग गया तो बहुत ज्यादा डिले अकर होगा। लेकिन बहुत सारी कंपनीज है, अगर हम बात करें जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आप इन कंपनीज का अगर हम बात करें ना, तो ये कंपनीज यूज करती हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कुकीज। कॉन्सेप्ट ऑफ कुकीज, तो एक क्लाइंट साइड पे क्या करती हैं, कुकीज को रखती हैं, जिसमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आप अमेजोन ऑन करते हो, अमेजोन पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट को चेक किया और फिर बाद में आपने बंद कर दिया तो होगा क्या, वो इंफॉर्मेशन आपके कुकीज में सेव हो गई। इवन आपके यूजर नेम, पासवर्ड्स, आपका एड्रेस, क्या आपने पहले एक्सेस किया था, किस वेब पेज पे आप गए थे, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज व्हाट दे सेव्ड इन द कुकीज, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वही चीज शो की जाए, नेक्स्ट टाइम आपको यूजर को बार बार इंफॉर्मेशन जो है वो ना भरनी पड़े। आपको कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, ये आप डेली बेसिस पे चेक करते ही हो, ये आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पता ही है। सो बाय डिफॉल्ट HTTP इज अ स्टेटलेस, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने एंड पे इसको स्टेटफुल बनाने की कोशिश करती हैं। देन अगर हम बात करें
दो तरीके से हम यूज करते हैं, दो इसके वेरिएशन कह सकते हो. वन इज अ नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट. नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या है, कनेक्शन. जो मेरा कनेक्शन है ना, इट इज नॉन परसिस्टेंट. और इसमें एक और चीज भी आप कह सकते हो, लेट से आपने कोई वेब पेज ओपन किया, लेट से IRCTC आपने ओपन किया, IRCTC में आपने पहले देखा, रिजर्वेशन वाला पेज देखा, रिजर्वेशन में आपने कोई इंफॉर्मेशन भरी, फिर आपने जो है उसके अंदर जाके पेमेंट वाला ऑप्शन चेक किया, आपने ट्रेन की इंफॉर्मेशन चेक की. तो जब भी आप IRCTC में जितने भी आप कनेक्शंस को ओपन कर रहे हो, लेट्स से अगर आपने पहले रिजर्वेशन पे गए, फिर आपने केटरिंग में गए, फिर आपने ट्रेन्स को चेक किया, तो हर एक नए कनेक्शन के लिए, हर एक नए वेब पेजेस के लिए एक तरह से आप कह सकते हो बैकएंड पे उतने ही आपके कनेक्शंस जो है वो क्रिएट होते हैं. मतलब उतने ही आप जितने जितने आप वेब पेजेस को जितने इंटरनली आप ओपन कर रहे हो ना, उतने ही लिंक्स आपके क्या होते रहते हैं, ओपन होते रहते हैं. और जैसे ही आपने IRCTC लेट्स से ऊपर से बंद कर दिया, बंद करते ही क्या होगा, साथ के साथ कनेक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा. कनेक्शन लॉस होने का मतलब क्या है, जब आप नेक्स्ट टाइम IRCTC ओपन करोगे तो दोबारा से फिर यूजर नेम भरो, दोबारा से फिर पासवर्ड आपको भरना पड़ेगा. ऐसे ही क्या होता है, जैसे आप HDFC वगैरह ICICI को ऑनलाइन बैंकिंग में भी क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में भी क्या होता है कि जब आप वेब पेजेस को ऑन करते हो, इन्फॉर्मेशन भरते हो, तो अगर आपने ट्रांजेक्शन बीच में ही बंद कर दी, दोबारा से फिर ओपन करोगे तो फिर से आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है. दिस इज द नॉन परसिस्टेंट. परसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंट का सिंपल सा एग्जाम्पल है जैसे जीमेल, जिसमें आपने लेट से यूजर नेम पासवर्ड आपने फिल कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया. अब चाहे आप एक महीने बाद, एक साल बाद भी ओपन करो ना, तब भी आपको डायरेक्ट जो है वो मेल्स ओपन हो जाती हैं, आपको दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड नहीं भरना पड़ता, टिल अगर आपने किसी और प्रोडक्ट से भी, किसी और सिस्टम से भी आपने लॉग आउट ना किया हो. तो यानी उसका कनेक्शन जो है वो परसिस्टेंट है, बंद करने के बाद भी बना रहेगा. लॉग आउट की बात नहीं कर रहा, मतलब आपने नॉर्मल कनेक्शन ऊपर से ही बंद कर दिया, तो वो वाला कनेक्शन जो है वो परसिस्टेंट है, बना रहेगा. लेकिन नॉन परसिस्टेंट के केस में वो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट हम यहां पे बात करते हैं वेरियस कमांड्स की. छोटी छोटी कमांड्स हैं, जैसे हेड है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, कनेक्ट. हेड की बात करें तो हेड बेसिकली मेटा डेटा. अगर आप किसी वेब पेज को, कोई डेटा को एक्सेस कर रहे हो, उस वेब पेज में डेटा तो है ही, लेकिन उसके अंदर मेटा डेटा भी है. मतलब इस डेटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि आप किस वेब पेज को कब एक्सेस कर रहे हो, क्या उसका बेसिकली आप क्या उसके रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन जो सारी की सारी हेड में आती है. गेट की बात करें तो पूरे पूरे वेब पेज को एक्सेस करना है, विच इज अ वाइडली यूज्ड कमांड. पोस्ट, अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी है, कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो, तो आप वेब पेज को कुछ दे रहे हो इंफॉर्मेशन. पुट भी ऐसे काम कर रहा है, आपने कोई इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है. डिलीट का मतलब है कुछ इंफॉर्मेशन आप डिलीट कर रहे हो. कनेक्ट का मतलब है जैसे आपने HTTPS को यूज किया, HTTPS जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर पे काम कर रहा है. अगर आप सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो तो वो बेसिकली कनेक्ट के थ्रू बनता है. और HTTP और HTTPS में बेसिकली डिफरेंस है, वो सिक्योर सॉकेट लेयर पे काम करता है, जिसमें हरेक रिक्वेस्ट में यूजर नेम पासवर्ड आपका बार बार से चेक होता है, ताकि अगर बीच में कोई हैकिंग वगैरह के कोई चांसेस हो, या कोई अगर आपके ट्रैफिक को कहीं ना कहीं हैक करने की कोशिश कर रहा है, सेशन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चांसेस आपके कम से कम हो जाए. तो ये बार बार क्या करता है, यूजर नेम पासवर्ड बार बार ऑथेंटिकेशन जो है वो चेक करता है HTTPS. तो आज के टाइम पे अगर आपने देखा हो, मैक्सिमम वेबसाइट जितनी भी आप ओपन करोगे ना, तो हरेक में चाहे आप http://google.com डालो, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट HTTPS पे ही चला जाता है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस. तो ये देखो, यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट की फॉर द वेब पेज, और उसने उसको वेब पेज पर्टिकुलर दे दिया. तो ये सारे के सारे जो काम है, ये किस प्रोटोकॉल के थ्रू होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होते हैं. ऐसी उसने रिक्वेस्ट की दूसरे सर्वर को, तो दूसरे सर्वर ने भी रिस्पॉन्ड किया. ये वही इंफॉर्मेशन आपको गेट कमांड क्या करती है, हेड कमांड बेसिकली क्या करती है, मतलब जहां पे हम डॉक्यूमेंट को वो नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट का जो मेटा डेटा उसको एक्सेस कर रहे हैं. पोस्ट हो गया, पुट हो गया, ट्रेस हो गया, इकोज द कमिंग रिक्वेस्ट, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको चेक करना है, ठीक है, ट्रेस करना उनको, कनेक्ट करना, ऑप्शंस वगैरह, इंक्वायर अबाउट द अवेलेबल ऑप्शंस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे FTP प्रोटोकॉल की. FTP प्रोटोकॉल और HTTP में अगर हम देखें तो ये है फाइल ट्रांसफर. मतलब अगर आपको रिमोट साइट पे कोई फाइल को ट्रांसफर करना है, देन वी यूज द FTP प्रोटोकॉल. इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, जैसे फाइलजिला है,
टेक्शिया है, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या करती हैं, लेट्स से आप चंडीगढ़ में बैठे हो और आपने कोई फाइल जो है वो ऑनलाइन सेंड करनी है, या लेट्स से आपने वेबसाइट ही होस्ट की है। अब वेबसाइट होस्ट करते टाइम आपको क्या है, फाइल जो है वो सेंड करनी पड़ेगी सर्वर पे। सर्वर पे जब आप फाइल सेंड करोगे तो कहीं ना कहीं होता क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वहां पे यूज करते हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, आपकी मशीन में ही ना दो पार्ट्स बना देगा, एक तो आपकी मशीन और एक जो सर्वर होगा उसकी मशीन को आपको शो करेगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले 21 नंबर पोर्ट यहाँ पे यूज होता है कंट्रोल कमांड्स को सेंड करने के लिए, मतलब कनेक्शन वगैरह बनाना है, डेटा सेंड करना है, और उसके बाद 20 जो पोर्ट नंबर यूज होता है डेटा को सेंड करने के लिए। तो पहले कंट्रोल कमांड्स जो है वो उसके थ्रू डेटा आप पहले कनेक्ट करोगे, पहले कनेक्शन बनाओगे, फिर उसके बाद डेटा जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपली ड्रैग करोगे ना अपने सिस्टम से, ऐसे ड्रैग करके इधर वाले सिस्टम में डालोगे तो वो सारी की सारी फाइल्स उसके सिस्टम में चली जाएंगी। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली इन बैंड नहीं होता, इसको हम इन बैंड नहीं बोलते। HTTP इन बैंड है, ये इन बैंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो पोर्ट नंबर्स को यूज करता है, एक पोर्ट नंबर से कंट्रोल कमांड्स, दूसरे पोर्ट नंबर से डेटा। तो यानी कंट्रोल और डेटा जो है वो पैरेलली यूज हो सकता है FTP में। देन हम बात करते हैं कंट्रोल कनेक्शन इज परसिस्टेंट। कंट्रोल कनेक्शन जो है वो परसिस्टेंट है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बीच में रुक भी गए, बीच में अगर आपने कहीं ना कहीं डिले भी किया ना, कुछ देर के लिए आपने कोई डेटा नहीं भेजा, कुछ देर के लिए कोई आपने इंफॉर्मेशन नहीं सेंड की, तो कंट्रोल कनेक्शन तो बना रहेगा लेकिन डेटा कनेक्शन जो है वो नॉन परसिस्टेंट है। डेटा कनेक्शन आपका लॉस हो जाएगा तो दोबारा से फिर आपको डेटा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो डेटा कनेक्शन जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पज आप कह सकते हो नॉन परसिस्टेंट है। नॉन इन बैंड है वो मैंने आपको बता ही दिया। रिलायबल, यस FTP जो है इट नीड्स अ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्यों, क्योंकि फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं यार, अगर एक बाइट भी लॉस हो गया ना बीच में तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो फाइल ओपन ही नहीं होगी। तो जब भी फाइल ओपन होगी वो तभी होगी जब सारे के सारे बाइट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये भी TCP प्रोटोकॉल को यूज करता है टू अचीव द रिलायबिलिटी। और ये स्टेटफुल भी है। स्टेटफुल मतलब कि अगर दो यूजर आपस में फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, रिमोट लॉगिन पे आपने फाइल ट्रांसफर की, तो कौन सी फाइल कब ट्रांसफर की, क्या साइज था, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव करके रखता है अपने एंड पे, वो सेव करके रखता है इंफॉर्मेशन को, ताकि उस इंफॉर्मेशन के थ्रू फ्यूचर में पता लगाया जा सके कि पास्ट में क्या हुआ था। हिस्ट्री की तरह जो है वो इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है स्टेटफुल। ऐसे रिलायबल, नॉट इन बैंड। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे FTP में मेनली आपके यही पॉइंट्स हैं, डेटा कनेक्शन इज नॉन परसिस्टेंट, कंट्रोल कनेक्शन इज परसिस्टेंट, इन बैंड है, रिलायबल है, नॉन इन बैंड है, रिलायबल है एंड स्टेटफुल। नेक्स्ट आता है हमारे पास SMTP एंड POP। SMTP एंड POP में अगर हम बात करें सबसे पहले सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, मेलिंग। आज के टाइम पे देखो आप Gmail, याहू मेल, हॉट मेल, बहुत सारी डिफरेंट मेल सर्वर्स को यूज करते हो, ये तो सारी है वेब बेस्ड मेल्स, लेकिन इनके बैक पे कौन इनको, मतलब आप कह सकते हो कि बैक एंड पे डेटा जो है मेल्स कैसे ट्रांसफर हो रही है, SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफर होती है। FTP और SMTP में अगर आपसे पूछ ले, FTP इज अ सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब कि अगर दो बंदे आपस में फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो दोनों एक्टिव होने चाहिए, लेकिन SMTP के केस में ऐसा नहीं है। मेल के केस में कहां होता है, आपका ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी को मेल भेज रहे हो तो वो बंदा भी लाइव होना चाहिए, नहीं, आप मेल भेज दो सिंपली, जब वो बंदा लाइव होगा, जब वो बंदा नेट से कनेक्ट करेगा तो वो बंदा अपने मेल पढ़ लेगा। तो ये एसिंक्रोनस बड़ा अच्छा फीचर है SMTP का। पोर्ट नंबर ये यूज करता है 25, और ये बेसिकली यूज करते हैं पुशिंग द मेल। SMTP यूज करता है पुश करने के लिए मेल को, और पॉप यूज करता है पोस्ट, मतलब पॉप करने के लिए, मतलब मेल को निकालने के लिए। जैसे काम कैसे करता है ये काम कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ मेल अकाउंट। आप कहते हो ना कि मेरे पास अकाउंट है, मेरे पास Gmail का अकाउंट है, मेरे पास Yahoo का अकाउंट है। बेसिकली अकाउंट क्या है कि आपको स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टू स्टोर द डेटा। जैसे आपको गूगल कह रहा है कि मेरे को 15 GB या 25 GB स्पेस आपको प्रोवाइड किया, तो दैट इज व्हाट योर स्पेस। तो इस स्पेस को हम बोलते हैं अकाउंट। अब इस स्पेस को आप प्रॉपरली यूज करो, डेटा सेव करो, ये वो सब कुछ। अब यहाँ पे हम बात करें, ऐसी कोई और मेल भी हो सकती है, ठीक है ना, ऐसे कोई और मेल भी हो सकता है वो उसने जो किसी और बंदे को स्पेस प्रोवाइड किया हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटिटी आती है मेल क्लाइंट। क्या आता है, मेल क्लाइंट। ये जो क्लाइंट है ना, बेसिकली क्या करता है, ये यूजर से मेल जो है वो
फेच करता है, मतलब यूजर से मेल उठाने में मेल क्लाइंट या मेल एजेंट जो है वो हेल्प करता है, और फिर इस मेल क्लाइंट से इंफॉर्मेशन या वो मेल कहां पे जाती है, MTA में, दैट इज मेल ट्रांसफर एजेंट में जाती है। फिर मेल ट्रांसफर एजेंट से वो चली गई कहां पे, दूसरे मेल सर्वर पे चली गई, मतलब दूसरे मेल ट्रांसफर एजेंट पे चली गई, और यहां से किसने उठा ली उसको, मेल क्लाइंट ने वहां से उसको उठा लिया और फिर उसको यूजर को शो कर दिया। तो SMTP का बेसिकली काम क्या है, SMTP का काम है कि ये जो मेल आई है ना, ये जो आउटलुक वगैरह को हम यूज करते हैं, ब्राउजर्स को हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वहां से हमने क्या किया, एक मेल जो है वो सेंड की, वो मेल क्लाइंट के पास गई, मेल क्लाइंट ने उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया मेल ट्रांसफर एजेंट पे, और वहां से वो पुश होके कहां पे चली गई, दूसरे मेल ट्रांसफर एजेंट पे चली गई। लेट्स से कि अगर आप यूज कर रहे हो यहां पे गूगल, या फिर आप कह लो gmail.com यूज कर रहे हो, और यहां पे कोई और बंदा जो है वो yahoo.com यूज कर रहा है, तो बेसिकली यहां पे क्या है, @gmail.com @yahoo.com, ठीक है। अब यहां पे @gmail.com का क्या है, खुद का एक मेल ट्रांसफर एजेंट है, ऐसे yahoo.com का भी मेल ट्रांसफर एजेंट है। अब आप जो नॉर्मल यूजर हो, यूजर अपने ब्राउजर पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यूज करते थे, जैसे उसने जीमेल का ओपन किया, वो क्या एक वेब बेस्ड पेज ओपन हो गया, अब वहां से आपने कोई मेल कंपोज की, वो मेल कहां पे चली गई, मेल क्लाइंट के पास चली गई, वहां से पुश करके मेल ट्रांसफर एजेंट को भेज दिया, वहां से वो पुश होके कहां पे चली गई, दूसरे मेल ट्रांसफर एजेंट पे चली गई, वहां से फिर हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पॉप क्या करता है, वहां से मेल ट्रांसफर एजेंट से मेल को उठा के मेल क्लाइंट को देगा, और फिर मेल क्लाइंट उसको यूजर को शो कर देगा। तो जैसे ही आप अपना यूजर नेम पासवर्ड भरोगे, आपको वो मेल शो होने लग जाएगी। और लास्ट में छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, पीओपी जो है यूज करते हैं, POP3 प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ये भी दो पोर्ट्स को यूज करता है, पोर्ट नंबर 110, दिस इज द डिफॉल्ट पीओपी पोर्ट नंबर विच इज अ नॉन एनक्रिप्टेड, एंड 995 इज द पोर्ट नंबर which you need to connect using the POP securely. अगर securely आप use करना चाहते हो with encryption, तो ये वाला without encryption जो by default use होता है, that is a POP3 which is a 110 port number. और last में जैसे आप देखो, आज के time पे हम लोग images, videos बहुत कुछ send कर रहे हैं, multimedia data send कर रहे हैं, तो इसीलिए by default इसके अंदर use होता है MIME protocol, that is multi-purpose internet mail extension protocol. तो this is more than enough. DNS की आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की है, इनके बारे में इतने पॉइंट जो है वो याद रखना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा डिटेल में हाँ आप अपनी नॉलेज के लिए जा सकते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे नीलेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, कोई मर्जी एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का, इससे ज्यादा डिटेल में इनसे नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।